प्रेमा प्रभाकर। प्रेमा प्रभाकर, कहाँ से आती है आप? मैं मिशन चौक के मिशन हॉस्पिटल के पास से आती हूँ। कहाँ से आती है? मिशन के पास से। क्या तकलीफ है आपको? मेरे को तकलीफ था, मेरा कमर का नस दब गया था। सारी बात, मेरा कमर का नस दब गया था और मैं बहुत परेशान थी, झुक झुक के चल रही थी। फिर मैं डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर जो दवाई दिए थे वो सुई लगा तो रिएक्शन कर गया वो भी, तो उसको भी मैं नहीं ली। फिर टैबलेट खा रही थी वो भी अच्छे से काम नहीं किया, छोड़ दी। फिर मुझे मम्मी ने यहाँ के बारे में ये मुझे तीन महीने हो गए। हाँ, इससे आने से पहले 2 महीने से तकलीफ था, यहाँ के मुझे अभी 1.5 महीने हो गए, तो लगभग 3 साल। डॉक्टर बोले कि मेरा एक्सरे लिए और उसमें मेरा कमर का नस दब गया है ऐसा बताया। फिर दवाई दिए तो वो रिएक्शन कर गया, तो उसके बाद मम्मी के द्वारा मामा के द्वारा मुझे यहाँ के बारे में पता चला, तो मैं यहाँ आई। और यहाँ आने के बाद मैं मशीन पे नहीं जा रही थी, आप मुझे ज़बरदस्ती बोले कि एक बार ट्राई करके देखो, अच्छा लगेगा तो करो। फिर मैं गई और जाके जब वहाँ लेटी तो मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, क्योंकि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। बहुत रो रही थी, आंखों से आंसू भरा, वो बच्चे तो चिल्ला रही थी, बच्चे की तरह पूरा पूरा हॉल गूंज रहा था एकदम। बहुत तेज रो रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। फिर उसके बाद मैं सोची नहीं आऊंगी, लेकिन घर जाने के बाद जब मैं थोड़ा रिलैक्स हुई तो मुझे अच्छा लगा। पहले दिन ही थोड़ा अच्छा लगा जाने के बाद, तो फिर दूसरे दिन आई तो थोड़ा कम रोई, लेकिन रो रही थी। तो 2-3 दिन मैं कंटिन्यू रोई, उसके बाद धीरे धीरे मेरा ठीक हो गया। मैं तब झुक झुक के चल रही थी, ऐसे 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 झुक के ऐसे करके ऐसा चलना पड़ता था, फिर थोड़ा सीधा होती, फिर ऐसे करके झुकती और पकड़ पकड़ के चल रही थी। लेकिन अभी मैं यहाँ आने के बाद पूरा 1.5 महीने हो गए मुझे यहाँ, और मैं सीधी हो गई, बहुत अच्छे से है। बस थोड़ा सा पैर में मेरा तकलीफ बना है, जो यहाँ आने से मेरा कम मतलब पूरा ठीक हो जाएगा इतना विश्वास है। और अभी मैं बहुत ठीक हो गई हूँ, और थैंक यू सर जैम, और थैंक यू सर कि मतलब मैं यहाँ आई और मुझे हेल्प की।